इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। राजस्थान के स्थानीय उपखंड कार्यालय के समक्ष भारतमाला परियोजना को लेकर किसानों का धरना 38वें दिन भी जारी है। किसानों का कहना है कि हमारी आजीविका का मुख्य साधन हमारी जमीन को हम सरकार के हवाले नहीं करेंगे। किसानों ने बताया कि पिछले 38 दिनों से उपखंड मुख्यालय के समक्ष भारतमाला किसान संघर्ष समिति सांचौर में अध्यक्ष कुपाराम चौधरी की अध्यक्षता में धरना जारी है। कर्ज से परेशान एक किसान ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली है। गांव कहानगढ़ के किसान मलकी सिंह के पास 3 एकड़ जमीन थी, उस पर सरकारी व गैर सरकारी करीब 7 लाख रुपए का कर्ज था, जिसके चलते कर्ज से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश जिले में खरीफ सीजन की सभी फसलें कट चुकी हैं। सरकार ने 10 अक्टूबर तक पंजीयन के सत्यापन के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक केवल 68% किसानों के पंजीयन का सत्यापन हो सका है, जबकि आज से खरीदी शुरू होनी है। ऐसे में किसानों को उपज बेचने में परेशानी आएगी। अभी खरीदी केंद्रों की सूची जारी नहीं होने से भी किसानों में असमंजस है। ऐसे में केंद्रों पर उपज बेचने आए उन किसानों को या तो वापस लौटना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा, जिनका पंजीयन के बाद भी सत्यापन नहीं हो सका है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश के 850 से ज्यादा किसानों का कर्ज चुकाएंगे। इसके लिए वो 5.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वो जिन किसानों की मदद करेंगे उनकी पहचान भी कर ली गई है। 76 साल के अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर लिखा, उत्तर प्रदेश के 850 किसानों की सूची तैयार कर ली गई है और उनके 5.5 करोड़ कर्ज चुकाने का इंतजाम भी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित बैंक से बात कर ली गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा सिरसा द्वारा शाखा प्रबंधक अजय कुमार की अध्यक्षता में दशहरे को एक किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड के डीडीएम संजीव शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस किसान मेले में 70 किसानों ने भाग लिया। इतना ही नहीं, बैंक की ओर से किसानों के 3.10 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई। मुख्य अतिथि संजीव शर्मा ने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी किसानों को रूबरू कराया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।